तो गाइस जब हम लैंसडाउन पहुंच जाएंगे हम आपको वहां का व्यू दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोटद्वार और यहां से अब अराउंड 40 टू 50 किलोमीटर में और आगे जाना है। तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है इस मंदिर का नाम है सिद्ध बलि मंदिर और ये हनुमान जी का मंदिर है। काफी फेमस है ये कोटद्वार में और लोग काफी दूर से आते हैं यहाँ। तो अभी हम लोग बीच में रुके हैं, देखो कितना ज्यादा यहाँ पे ये देखिए ट्रैफिक जाम हो रखा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए पीछे भी देखिए कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग दुगड्डा के लिए बढ़ रहे हैं आगे जो कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर है और फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से देखने में पुल। चलने अभी नहीं आते भी चलेंगे, आते भी चलेंगे। अच्छा ये हम पहुंच गए दुगड्डा है ना। हाँ, ये है दुगड्डा गाँव। हाँ हाँ छोटा ही गाँव है, छोटा ही लग रहा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लैंसडाउन 25 किलोमीटर और यही रास्ता ज्वालपा देवी भी जाता है। तो हम लोग पहुंच गए लैंसडाउन। ये सामने आप जो बोर्ड दिख रहे हैं इसमें सारी जगह मेंशन हो रखी है कि कौन सी साइड में क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये सेंट जॉर्ज चर्च है, सेंट मैरी चर्च इस साइड है, टिपिन टॉप है और झड़ी खाल वगैरह राइट साइड पे है। हाँ ये टेंट एरिया भी है इस साइड। तो हमें जाना है लेफ्ट, हमें राइट जाना है, लेफ्ट साइड टेंट एरिया है। मतलब इस बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, अभी मेरे सामने है तो मैं हम लेफ्ट जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं सेंट जॉन्स चर्च पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है अभी फिलहाल। थोड़ा नहीं, अभी थोड़ी देर में देखना कितना ठंडा हो जाएगा यहाँ पे। काफी सारे लोग आ रखे हैं तो मास्क वगैरह पहन के रखे हैं प्लीज। हाँ, दिल्ली से आ रखे हैं लोग, दिल्ली से नहीं काफी जगह से आ रखे हैं। दिखाते हैं आपको चर्च। वाह, पर ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसका ना, इसकी ये जो स्पेस है सामने। ये एक्चुअली ये आपका नहीं है, ये काफी पुराना चर्च है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है। ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, ये उनका बनाया हुआ है और उसका स्ट्रक्चर देखिए आप कितना अच्छा, कितना सॉलिड और मजबूत है। ये देखिए नोटिस लगा रखा है। और ये एरिया काफी बड़ा है यहाँ पे देखिए। ये जो आप देख रहे हैं चर्च की बेल है, काफी सारी फोटोज क्लिक करा ली हैं। अब हम जा रहे हैं सेंट मैरी चर्च। सेंट मैरी चर्च ये देखिए साइड ही है। हाँ, इसी रूट पे ही है। ठीक है, और वो टिपिन टॉप भी तो इधर ही है। इसी रूट पे है। वो सेंट मैरी चर्च के थोड़ा सा आगे टिपिन टॉप है और बीच में ही हमें मार्केट भी मिल जाएगा, वहाँ भी हम जाएंगे और वहाँ हमने क्या करना है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। पर वहाँ हमने कुछ भी करना है लेकिन कुछ परचेज नहीं करना, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं सेंट मैरी चर्च देखने। ये देखिए वो सेंट मैरी चर्च, पर ये चर्च हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें ताला लगा हुआ है फिलहाल, तो बाहर से ही देख लेते हैं। वो
और देखिए वो है इसकी बेल, पास ही में देखिए ये भी है कुछ अतिथि देवो भव, ये बैठने के लिए जगह काफ़ी अच्छी से बना रखी है, साफ़ सुथरी जगह। तो ये देखिए हम आ गए हैं टिप एंड टॉप में। अब टिप एंड टॉप के लिए यहाँ से रास्ता जाता है, ये आसपास का जो व्यू है ऐसा है कुछ, पर चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे पार्किंग एरिया है और ये जो आप सामने इधर देख रहे हैं ये गढ़वाल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से टिकट ले रहे हैं। अच्छा यहाँ टिकट लेना पड़ता है, 20 रुपये पर पर्सन टिकट, बहुत बढ़िया। ये कुछ नहीं था तो कैसे आया फिर ये? हाँ यहाँ से यहाँ पे चढ़ जाओ, पूरा व्यू देख लो। पर असल में ये जो ये देखो इतने पेड़ वगैरह हो रखे ना, इससे व्यू प्रॉपर दिखता नहीं यहाँ से। और वो GMVN की बसेस खड़ी हुई है वहाँ पे। चलो अच्छा वो बना दिया हमारा आने से पहले। तो यहाँ पे कुछ खास देखने लायक था नहीं, हल्का व्यू बस, बादल था इस वजह से। हाँ तो इसीलिए तो कुछ खास देखने लायक था नहीं, फॉग बहुत हो रखा है ना। अब हम लोग आ गए हैं भुल्ला ताल, भुल्ला लेक भी कहते हैं इसे। और यहाँ ये जो था ये टिप एंड टॉप से लगभग 1-2 किलोमीटर पीछे की साइड था, और अभी चल के देखते हैं। चलो चलें, ये है भुल्ला ताल। हाँ बताया मैंने, भुल्ला ताल है, भुल्ला ताल भुल्ला लेक। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं। मुझे स्पेशली किसी ने पूछा था कि कोई ऐसी जगह भी बताओ जो हम बच्चों को ले जा सके। हाँ तो ये वो एक जगह है, यहाँ पे बहुत शांत। हाँ यहाँ पे बच्चों को ले, देखो यहाँ बड़े हरकतें कर रहे हैं बच्चों वाली, ये देखो बच्चों के झूले तोड़ने वाले हैं लोग आज। भुल्ला ताल के लिए, भुल्ला ताल का मैं भुल्ला नहीं आज तक। हम लोग अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। डेढ़ सौ रुपए की टिकट है। हाँ कोई नहीं, हम दूसरों को बोटिंग करते हुए देख लेंगे। ये देखो ऐसी होती है, सेम ऐसी करनी पड़ती है हमें भी। लेट्स मूव नहीं कहते तो मूव की जगह अब जिसे जॉन सा ब्रांड पसंद हो। मैं मुझे नहीं पसंद, मुझे एडवर्टाइज बोलना है यार। ये जबरदस्ती यार लोग कैसे पीछे पड़ जाते हैं यार। कलूंदा क्या ही। अच्छा पहले ये बता हम लोग क्यों नहीं गए वहाँ अंदर, ये बता दो। पैसे बहुत है हमारे पास लेकिन मूड नहीं है देने। अपनी वोट लेके आएंगे, अपनी वोट लेके आएंगे। अरे औरों की वोट उधार उधार के नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग वहाँ जाके डूबना ही है तो हम लोग पानी में जाके डूबेंगे वहाँ, बाथरूम में गीजर के पानी में डूबेंगे। हाँ गर्म पानी में डूबेंगे। और क्या भैया 150 रुपये हम नहीं है ना, हमने गाड़ी या गाड़ी ई एम आई कैसे देंगे, सी एन जी वाला नहीं है। हम पहुंच गए लेंसडाउन और अब हम चलते हैं यहाँ का, आपको मार्केट दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ का कैसा है। और इन्होंने देखो गढ़वाली टोपी भी पहन रखी है, पहाड़ी टोपी। गोला से देख रहे हैं, ओवल शेप का है एक्चुअली। इसके आसपास में ही है मेन शॉप्स जो है, सारी इसके आसपास ही है। ये देखिए छोटी छोटी शॉप्स। मतलब एक चक्कर में आप पूरा मार्केट कवर कर सकते हो। और हमें अभी पता चला है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट है नीचे, यहाँ नीचे की तरफ। तो यहाँ चल के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे पूरा ढलान में आगे जाके कोई मंदिर है ना, कौन सा मंदिर है?
कालेश्वर पक्का। और लगभग मुझे लगता है थोड़ा सा आगे जाके मार्केट खत्म होगा, तो ये है रास्ता श्री कालेश्वर मंदिर का, यहाँ से चलेंगे हम लोग। ये रहा वो मंदिर, यहाँ से रास्ता है जाने का, यहाँ से ये है जय कालेश्वर मंदिर। और हम हैं अभी मयूर रेस्टोरेंट पे, और हमने वहाँ से लिए हैं गुलाब जामुन। तो एक मेरे को दे दो। हाँ, ये खाओ, फटाफट खाते हैं। कैसे लगे? मस्त है, मतलब मुंह में डालते ही ऐसे मेल्ट हो गए बिल्कुल। चलो मैं भी अपने मुंह में डाल के मेल्ट करता हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी च्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी। गाइस वीडियो को करते हैं एंड, और आई होप आपको ये लेंस ऑन का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं। और प्लीज हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।